एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज़ टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक हाथरस में स्थित पुन्नेर गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 20 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर है। लगभग 5000 की आबादी व 1500 वोटरों द्वारा लाल खां को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 285 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 185 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 60 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा 4 हैंडपंपों को भी रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में लगभग 30 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 4 सीसीटाइज रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान के देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसीटाइज रोड, खडंजे, जूनियर हाई स्कूल में मरम्मत कार्य, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, बैंक, डाकघर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 35 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मेरा नाम लाल खां, ग्राम पंचायत पुन्नेर, तहसील हाथरस। नाली कराई है और तो भी बहना जी बहन मरम्मत प्राइमरी स्कूल की मरम्मत, शमशान घाट, रास्ता 20, पंचायत घर बताया तुम रास्ते खराब हैं, कम से कम 20 वो बन जाने चाहिए हमारे स्कूल। बाकी पंचायत घर की मरम्मत, प्राइमरी स्कूल की मरम्मत है जानी चाहिए। मोहम्मद मेरा नाम है, गांव मेरा पुन्नेर है, इसी गांव में रहता हूँ मैं। और कह देते हैं और ये हमारे यहाँ की रास्ता है, ये देख लो आप, हमारे गांव को प्रधान लगा कहाँ से पैसा आवत जाए, छोटी सी पंचायत है, एक रुपया नहीं आता, का सबरो ही सड़क खराब पड़ी। प्रधान कहता है कि साहब हमारे पास पैसे नहीं तो हम कहाँ से लगाएं। मेरा नाम सुभाषन गुप्ता है, मैं ग्राम पंचायत पुन्नेर का निवासी हूँ, इसी गांव का रहने वाला हूँ। इस गांव में तमाम असुविधाएं हैं, पंचायत घर की मरम्मत नहीं है, गांव में रुकने के लिए बारात या कोई भी चीज़ आए उसके लिए कोई जगह नहीं है, बारात घर नहीं है, पोस्ट ऑफिस के लिए बना हुआ है, पोस्ट ऑफिस के लिए जगह नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे गाँव में स्वास्थ्य सेवाएँ भी उपलब्ध हों, जिससे जगह तमाम पुन्नेर में पड़ी हुई है मगर नहीं बन पा रही है, और तमाम रास्ते खराब पड़े हुए हैं पुन्नेर में, कोई भी कार्य संतोषजनक नहीं होता है। आदेश है साहब ऊपर से, कहते हैं साहब हमारे यहाँ पंचायत घरों के लिए और काम कराने के लिए इतने पैसे आ रहे हैं, मगर आज तक कोई पैसा नहीं आया और न कोई कार्य हुआ अभी तक। कोई ऊपर से कहते हैं साहब पैसा आ रहा है, प्रधान से पूछते हैं शौचालय बन गए, शौचालय कहाँ से बन जाए, शौचालय में पढ़ने के लिए पैसे नहीं आते, लोग आधे बन गए आधे रह गए, सोच मुक्त किस तरह से हो, परेशानी होती है लोगों को। राशन कार्ड नहीं है, कहते हैं कि साहब नहीं 70% ही राशन कार्ड बनने चाहिए, जबकि यहाँ पर आबादी अल्पसंख्यकों की, हरजनों की, सब तरह की बस्तियां हैं, फिर भी आदमी राशन से वंचित रह जाते हैं। पेंशनों की असुविधा है, सरकार कहती है कि हर उसको पेंशन मिलनी चाहिए, वृद्धा को, विधवा को, सिर्फ 2-4 आदमियों की पेंशन बनती है उसके बाद छोड़ देते हैं, कहते हैं साहब आपकी और नंबर आएगा। ऐसे कई आदमी हैं जिनकी अभी तक पेंशन नहीं बनी है, पिछली सरकार से लेकर अब तक। स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा स्कूल में शिक्षा का अभाव है, बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है, सुविधा है, बरसात में छतें छुचाती हैं,
और बच्चों को कहते कि ड्रेस मिलेगी या कोई सामान मिलेगा, ड्रेस तो मिलती कहाँ है, नाम के लिए ड्रेस मिलती है, बाकी छोटे से खाने का इतना बड़ा अभाव है, आधा खाना आता है आधा सब स्टाफ खा जाता है। प्रधान से कहते हैं कि साहब सामान आना चाहिए, सामान कहाँ से आए, मास्टर लोग उसमें से आधा खा जाते हैं, 50 बच्चों की जगह पर 100 बच्चे आते हैं 50 दिखाते हैं और वो 50 बच्चों का 100 बच्चों का खाना मंगाते हैं। शिक्षा का अभाव इसलिए है कि टाइम से कोई टीचर नहीं आता है, कोई शिक्षिका नहीं आती है किसी भी दोनों स्कूलों में से, और मैं तो चाहता हूं विधवा अवस्था और उनकी जो पेंशन बननी चाहिए साहब, पोस्ट ऑफिस की सुविधा होनी चाहिए, इतनी आबादी के हिसाब से दो गांवों का माजरा है, एक कोई छोटी सी ग्रामीण बैंक या वैसी कोई बैंक की सुविधा हो जिससे अपना आदमी काम चला सके, पैसे के अभाव में सब तरह के काम होते हैं, जनधन योजना के अंदर खाते खुलवाए गए थे लोगों की, अभी तक कोई जनधन योजना में पैसा नहीं आया। मेरा एक अनुरोध और है, इस ग्राम पंचायत पुण्य के अंदर 2 साल से राशन डीलर नहीं है कोई भी, जिसका राशन बाहर किसी दूसरे गांव में बांटा जाता है, जिससे यहाँ का मजदूर वर्ग राशन लेने से वंचित रह जाता है, दूर जा नहीं पाता है, सबसे बड़ी परेशानी होती है। इनके राशन कार्डों से नाम काट दिए गए हैं जिनको राशन नहीं मिलते हैं, और राशन डीलर जो भी नियुक्त भी किया गया था 2 महीने पहले उसको राशन डीलर बनने नहीं दे रहे, अधिकारी उनसे पैसे मांगते हैं, ब्लॉक में जाए तो कहते हैं कि इतने पैसे दो तब आपके नाम दुकान राशन की दुकान खुलेगी। सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त राशन वो होने अधिकारी होने चाहिए, काम कोई पैसे मांगता है तो बताना चाहिए, या कि पेंशन बनवाने जाओ तो पैसे मांगते हैं, राशन कार्ड के लिए फॉर्म लेने जाओ तो पैसे ब्लॉक से मांगते हैं, हर अधिकारी इतना भ्रष्ट और बेईमान बैठा हुआ है, बिना पैसे के कोई काम नहीं करते। मैं चाहता हूँ इस पुण्यर ग्राम पंचायत का राशन डीलर नियुक्त होकर के पुण्यर में राशन वितरण व्यवस्था बने बढ़िया, सबके राशन कार्ड बने जिससे आम पब्लिक को जिसका लाभ मिल सके। मिट्टी के तेल की समस्या, गेहूं चावल की गरीब आदमियों को समस्या, जिनके बीपीएल कार्ड नहीं बने, जिनके पास जमीन नहीं है उनके कार्ड बीपीएल नहीं बने आज तक, सरकार के यहाँ से सुविधाओं का अपार भंडार है फिर भी यहाँ के अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं जो कि इनको कोई लाभ मिलने नहीं देते हैं।